शौर्य, प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करो। तुम ना अपने गुस्से की वजह से जीती हुई बाजी को भी ना हार जाते हो। सब कुछ खराब हो जाता है, इतनी मुश्किल से सिचुएशन हैंडल हुई है। क्या मुश्किल से हुआ है मां, क्या मुश्किल से हुआ है? सब कुछ इतनी आसानी से तो हो गया है। शनाया ने झूठ बोल दिया कि वो कार ड्राइव कर रही थी। मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने ड्रिंक नहीं की थी। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज डन। यू नो व्हाई? बिकॉज शनाया के झूठ को सबने सच मान लिया। शनाया ने झूठ बोला कि कार वो ड्राइव कर रही थी। शनाया ने झूठ बोला तुमने ड्रिंक नहीं की हुई थी। शनाया ने झूठ बोला कि वो एक्सीडेंट तुमसे नहीं हुआ। और इस बात को सबने सच मान लिया। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रूफ के लिए वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिल गई सिग्नल की। तो सब लोगों को बिलीव हो गया कि शनाया सच बोल रही है। नहीं तो तुम सोच सकते हो शौर्य कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। आई नो मॉम, आई एम ग्लैड शनाया ने हमारी हेल्प की, पर आप उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? व्हाट्स द पॉइंट? आप सडनली शनाया की इतनी तारीफें कर रहे हो व्हेन यू नो कि मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करता और वो कभी चेंज नहीं होने वाला। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर। किसमें इंटरेस्टेड हो? बल्कि में, बल्कि में, बल्कि में। बल्कि का तो नाम भी नहीं सुनना मुझे मॉम। उसका नाम भी सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरे कानों में कोई कुछ नाइफ से कुछ काट रहा हो। इट हर्ट्स मी, स्पेशली आफ्टर दैट एपिसोड जहाँ पे उसने मुझसे कहा कि राजवीर इज माई ब्रदर। आई कांट टेक इट एनीमोर, इट्स जस्ट टू मच। सही है, अब एक काम कर, उसकी मॉम को जाके भी अपनी मॉम बनाओ, उन्हें अपनी मॉम बुलाओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? You are my mother and you will always be my mother. Chahe koi bhi kuch bhi bol de. You understand that? I love you. I love you too, mom. Mummy Rajveer, mom. Too much ho gaya hai. Like, he's taken everything from me. Mere ghar mein ghus ke meri puri zindagi barbaad kar di hai usne. Jo kuch bhi mera tha, sab kuch le gaya hai wo. I can't deal with this anymore. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बट बस ऐसा लगता है कि मैं शायद अब कुछ कर दूंगा मॉम। शौर्य, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कल घर में सत्यनारायण की पूजा है। प्लीज प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो। अभी कुछ नहीं करना, प्लीज फॉर वन डे। हाँ पता नहीं आप मुझसे बार बार ये सब क्यों एक्सपेक्ट करती है। आई कांट डू दिस मॉम। शौर्य, मेरे लिए प्लीज। One, just one day. Okay? Yeah. नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। आई। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। अरे पंडित जी, आप आ गए। आप भी का इंतजार कर रहे थे हम। इंतजार तो हम सब कर रहे हैं ईश्वर के आशीर्वाद का, इसलिए तो आज उनके लिए ये पूजा रखी गई है। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। नमस्ते पंडित जी, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं आप। आपने बताया था ना मुहूर्त। लाइए लाइए बैठ। मैं जरा आउट हाउस होके आता हूँ। पिता को अब तक तो आ जाना चाहिए था, आई नहीं ना अब तक। हाँ, पता करके आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जाइए जाइए, लेके आइए साथ में। पिता तो आ गई। हाँ बेटा, दिख गई हमें। बड़ी लंबी उम्र है इसकी। जब भी इसका नाम लो हमारे लिए अवतरित हो जाती है। इस घर से प्यार जो इतना करती है, इस घर के लिए प्यार ही है जो इसको यहाँ पर खींच लाता है। सच बताऊं डैड, जब से प्रीता इस घर में आई है ना, इस घर का माहौल बदल दिया है इसने। बल्कि इस बेचारी को तो पता भी नहीं कि ये घर इसी का है। नमस्ते बेटा। पंडित जी, लो दलजीत, शनाया और पलकी भी आ गए। दलजीत जी नमस्ते। राखी जी नमस्ते। आप आए हमारे घर में, बाहर आई, और तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। बहुत सुंदर। यू टू।
हमें तो आना ही था। जैसा कि आप हमेशा कहती हैं कि हमारे ना आने से ये घर अधूरा सा लगता है, तो हमारे आने से पूरा लगने लगा है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। प्लीज। ये तो बेटा। राखी पुत्र, जब भी तेरी दोनों बहुएं आती है तेरा मुंह चमकने लगता है। सच चमक तो आनी थी ना मामी जी, आखिर मेरी दोनों होने वाली बहुएं इस घर में इतना सौभाग्य जो ले आई हैं। सौभाग्यशाली तो हम सब हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। बड़ी जरूरत थी सत्यनारायण की पूजा की। पता है दो दो बेटियों की शादी कर रही हूँ तो दिलो दिमाग में तूफान मचा हुआ था, शांति ही नहीं मिल रही थी, तो बस यहाँ आके शांति मिल गई। वैसे सत्य तो मैं बोलती हूँ और नारायण तो पूजा करते ही मिल जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। पलकी, शनाया, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। आज जब पूजा में बैठोगे ना तो सब चीज अच्छे से देख लेना। पंडित जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आखिर तुम दोनों इस घर की होने वाली बहुएं जो हैं, और इसके पीछे का कारण ये है कि अब से लेके इस घर को आगे तुम दोनों को चलाना है, तो हमारी घर की जो रीति रिवाज है, कैसे पूजा करते हैं, वो सब कुछ देख लो और आगे घर तुम दोनों को चलाना है। आ जाओ बैठ जाओ। इस घर की होने वाली बहू आ गई। क्या बात है बहू, तो बहुत प्यार से बोली है। मेरी बेटी के तो वारे न्यारे हो गए। How are you, Shanaya? Very well. How are you? Very, very well. बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। मुझे भी। चलो चलो आ जाओ बैठ जाओ, सब पूजा शुरू होने वाली है, आ जाओ। हवन के लिए जो की आवश्यकता है कोई मंगा दीजिए। मैं ले आती हूँ पंडित जी, अभी ले आती हूँ। डैड, मैं प्रीता को बता कर रहा था, कल रात को हमने जो डिस्कस किया था, मतलब अपने बिजनेस को एक लिए डिवाइड करके शौर्य और राजवीर में जो बांटना है ना, वही बार बता के आता हूँ। प्रीता को पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं बात को अनाउंस करूंगा तो प्रीता के लिए शॉकिंग ना हो। पुत्र, तुझसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना मैम। तो प्रीता के पास जा रहा है ना सब कुछ बताने के लिए? जी, जा, खुशी खुशी सब उससे बता दे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अतीत की कोई भी बातें मत करना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि उसे पहले की कुछ बातें हम बोल दें और उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। इस बात का खास ध्यान रखना कि सिर्फ राजवीर, शौर्य और जो बिजनेस में तू करने वाला है वो सब कुछ बताना, पहले की कोई बात नहीं। अब चिंता मत करो, उससे ज्यादा और कौन इस बात को समझ सकता है। मैं जानती हूँ पुत्र, प्रीता तेरी जान है, तू उससे बहुत प्यार करता है। कहा ना मैंने, तुम दोनों की जोड़ी सीता राम की जोड़ी है, जो अटूट है, कभी टूट नहीं सकती। लेकिन क्या होता है, तू थोड़ा सा पगला है, इमोशंस में आके बात करते करते अगर तूने पहले वाली कोई बातें कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ पहले की बातें मत करना। आई नो मैम, आपने कह दिया है, पक्का ध्यान रखूंगा, उसे अतीत की कोई भी बातें याद नहीं दिलाऊंगा। ओके, मैं होके आता हूँ। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून करण लूथरा, दुनिया के लिए मेरा हस्बैंड, जब देखो तब प्रीता के पीछे पीछे चला जाता है। अरे इतना तो मजनू भी नहीं गया होगा लैला के पीछे जितना ये जाता है। हे प्रीता,